नमस्ते गाइस। तो भाई फाइनली डेडपूल एंड वॉल्वरिन मूवी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और भाई ये मूवी किसी भी एमसीयू फैन, डेडपूल एंड वॉल्वरिन फैन के लिए एक ट्रीट से कम नहीं है, क्योंकि भाई ये पूरी पिक्चर आपको मजे पे मजा दिलाती है। और इसी के साथ भी इस मूवी में ऐसे ऐसे कैमियोज है जो आपको लिटरली शॉक्ड करके रख देंगे। लेकिन अगर हम इस मूवी के बेसिक प्लॉट की बात करें तो भाई इस मूवी का जो प्लॉट है वो काफी सिंपल है। जहाँ पे वेड विल्सन एके डेडपूल वो एक ऐसे मिशन पे निकला है जहाँ पे उसको अपने टाइमलाइन को मिटने से बचाना है, और वो ये काम करता है वोल्वरिन के साथ मिलके। वो वोल्वरिन को दोबारा अपनी टीम में लेके आता है और निकल पड़ता है कैसेंड्रा नोवा नाम की विलन से लड़ने। और ये कैसेंड्रा नोवा और कोई नहीं बल्कि अपने प्रोफेसर एक्सेवियर की कजन है। लेकिन ये जो कैसेंड्रा नोवा है वो वॉइड में रहती है और हमारे डेडपूल और वोल्वरिन भी वॉइड में पहुंच जाते हैं। उसके बाद की ये पूरी कहानी है कि डेडपूल और वोल्वरिन मिलके कैसे कैसेंड्रा नोवा को हराएंगे और अपने टाइमलाइन को बचाएंगे। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो इस मूवी की स्टोरी में दम नहीं था। लेकिन इसी के अलावा मैं एक और ऑनेस्टली बात बोलना चाहता हूं कि डेडपूल और वोल्वरिन जब किसी मूवी में हो तो उस मूवी को स्टोरी का होना जरूरत नहीं है। और भाई ये मूवी वो लिटरली फील करा देती है, क्योंकि इस पूरी मूवी में ऐसी जरूरत महसूस ही नहीं होती, क्योंकि भाई लगभग पूरी मूवी में ये दोनों एक साथ रहते हैं और आपको एक मिनट भी पलक झपकाने का मौका नहीं देते। क्योंकि इस मूवी में इन दोनों की जो जोड़ी थी भाई वो बवाल बनकर सामने आती है। लिटरली पूरी मूवी में या तो आप इन दोनों को देखकर हंसोगे या शॉक्ड होगे और कभी कभी इमोशनल हो जाओगे। लेकिन ऑनेस्टली इन दोनों में सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा वोल्वरिन का कैरेक्टर। भाई इस कैरेक्टर को हम काफी टाइम बाद स्क्रीन पे देख रहे हैं और भाई सारी यादें ताजा हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ डेडपूल वो वही हरकतें करता है जो हमें देखना है, और वो हमेशा की तरह इस बार भी देखने में अच्छा लगता है। और इसी के अलावा इस मूवी में काफी सारे फाइट सिक्वेंसेज है और भाई हर एक फाइट सिक्वेंस आपके दिमाग में रह जाएगा, क्योंकि हर एक फाइट सिक्वेंस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो कभी ना भूलने वाला है। खासकर मूवी के शुरुआत में जो फाइट सिक्वेंस आता है उसका तो एक अलग ही लेवल है भाई। उस पूरे फाइट सिक्वेंस में हमने इतना ब्लड देख लिया जो हमने पूरे एमसीयू में नहीं देखा था। लेकिन इसके अलावा इस पूरी मूवी में काफी सारे कैमियोज है और भाई हर एक कैमियो आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक कैमियो ऐसा है जो लिटरली जिसमें आप चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ लोगे। ओवरऑल पर्सनली ये मूवी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। आप आराम से उस मूवी को देखने जाएंगे, चिल करेंगे, मजे करेंगे और बाहर आएंगे। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट आप इसकी स्टोरी से हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ इस मूवी में काफी सारे प्लॉट होल्स थे, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आप मैं और हम सभी सिनेमा के दीवाने हैं मिस्टर मैन।